नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ट्रीटमेंट विद होम्योपैथी में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं हेपेटोमेगैली के बारे में। दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे हेपेटोमेगैली क्या होता है, इसके होने के पीछे क्या कारण होते हैं और कौन कौन सी होम्योपैथिक दवाओं द्वारा इसको पूरी तरीके से ठीक किया जा सकता है, इसी के बारे में आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों जुड़े रहिएगा वीडियो के लास्ट तक। बताना चाहूँगा अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि चैनल से जुड़ी हर नोटिफिकेशन पहुंचे अब तक सबसे पहले। आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं हेपेटोमेगैली क्या होता है। दोस्तों हेपेटोमेगैली का मतलब होता है एनलार्जमेंट ऑफ लिवर। दोस्तों अगर आपके लिवर का जो साइज है वह इंक्रीज हो गया है, आपके लिवर का साइज बढ़ गया है, आपके जो जिगर है उसका साइज अगर बढ़ गया है तो ऐसी कंडीशन को हेपेटोमेगैली या एनलार्जमेंट ऑफ लिवर कहा जाता है। अगर आप में से किसी को इस प्रकार की समस्या हो रही है तो उसको ठीक करने की कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन हम आपके लिए लेकर आए हैं जिसके इस्तेमाल से आप अपनी परेशानी को पूरी तरीके से ठीक कर सकते हैं। दोस्तों इसकी मेडिसिन जानने से पहले थोड़ी सी बात करते हैं, आखिर जो हमारा लिवर है उसका साइज इंक्रीज क्यों हो जाता है, किन कारणों की वजह से हेपेटोमेगैली की समस्या लोगों में देखने को मिलती है या एनलार्जमेंट ऑफ लिवर की समस्या लोगों में देखने को मिलती है। तो दोस्तों इसका जो सबसे पहला कारण है, अगर लिवर में कोई किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो जाए तो उसके वजह से लिवर का साइज इंक्रीज हो सकता है, लिवर का साइज बढ़ सकता है। उससे जो अगला कारण होता है लिवर सिरोसिस की वजह से ऐसा हो सकता है। लिवर सिरोसिस में जो हमारा लिवर है वह धीरे धीरे ख़राब होने लगता है, तो लिवर सिरोसिस की अगर किसी को समस्या हो उसकी वजह से हेपेटोमेगैली हो सकता है या किसी को हेपेटाइटिस हो जाए, हेपेटाइटिस ए हो बी हो सी हो उसकी वजह से ऐसा हो सकता है, या फैटी लिवर की अगर किसी को समस्या हो उसकी वजह से भी लिवर का साइज बढ़ सकता है। अल्कोहलिक फैटी लिवर हो, नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर हो, उसकी वजह से लिवर का जो साइज है वह बढ़ सकता है, या एमिलोइडोसिस की वजह से ऐसा हो सकता है, विल्सन डिजीज की वजह से हो सकता है जो एक जेनेटिक डिसऑर्डर होता है, किसी को हीमोक्रोमेटोसिस हो जाए उसकी वजह से ऐसा हो सकता है, गाउचर डिजीज की वजह से ऐसा हो सकता है, लिवर में कोई ट्यूमर वगैरह बन जाए, कोई गांठ बन जाए या लिवर में कोई सिस्ट बन जाए उसकी वजह से ऐसा हो सकता है, गाल स्टोन की वजह से हो सकता है, किसी की पित्त की थैली में पथरी हो गई हो उसकी वजह से ऐसा हो सकता है, या कंजेनाइटल हार्ट डिजीज की वजह से ऐसा हो सकता है, हार्ट फेल्योर की वजह से ऐसा हो सकता है। तो दोस्तों ये कुछ कारण थे जिसकी वजह से लोगों में हेपेटोमेगैली की समस्या देखने को मिलती है। इसके साथ साथ कुछ दवाओं के द्वारा भी हेपेटोमेगैली की समस्या देखी जा सकती है। दोस्तों अगर बात करें इसके सिम्टम्स के बारे में, अगर किसी को हेपेटोमेगैली की समस्या हो जाए या किसी का जो लिवर का साइज है वह बढ़ जाए तो उसके शरीर में क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों जो इसका पहला सिम्टम्स होता है, जो हमारा लिवर रीजन होता है वहाँ पर लोगों में दर्द की समस्या देखने को मिल सकती है, लिवर टेंडरनेस इसकी वजह से देखने को मिल सकता है, पेट में दर्द लोग बताते हैं, या लॉस ऑफ एपेटाइट की समस्या हो सकती है, भूख ना लगने की समस्या हो सकती है, फैटिगनेस थकानपन लोगों में हो सकता है, नोजिया या वोमिटिंग की समस्या भी लोगों में देखने को मिल सकती है, जी मिचला सकता है या इसकी वजह से उल्टियाँ भी आ सकती हैं। अगर बात करें इसके अगले सिम्टम्स के बारे में तो जो हमारी स्किन का कलर है कई बार येलो सा हो सकता है, इसकी वजह से जॉन्डिस की समस्या भी हो सकती है, पीलिया की समस्या भी इसकी वजह से हो सकती है, पेशाब पीला भी है इसकी वजह से लोगों में देखा जा सकता है। तो दोस्तों जनरली कुछ सिम्टम्स इस बीमारी में जो देखने को मिलते हैं। दोस्तों बात करते हैं इसकी होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में, होम्योपैथी में कौन कौन सी दवाइयों द्वारा इसको पूरी तरीके से ठीक किया जा सकता है। तो दोस्तों जो पहली मेडिसिन है चैलिटोनियम क्यू। दोस्तों चैलिटोनियम मेडिसिन आती है होम्योपैथी में लिवर की सबसे अच्छी होम्योपैथिक दवाई है। लिवर की ज़्यादातर बीमारियों को इस होम्योपैथिक मेडिसिन की सहायता से ठीक किया जा सकता है। जैसे अगर किसी के लिवर का साइज बढ़ जाए उसमें काम करती है, फैटी लिवर में काम करती है, लिवर सिरोसिस में काम करती है, जॉन्डिस में काम करती है, लिवर की ज़्यादातर बीमारियों को चैलिटोनियम मेडिसिन जो होती है वह ठीक कर देती है। और अगर किसी को एनलार्जमेंट लिवर है तो उसको ठीक करने का काम भी चैलिटोनियम मेडिसिन करती है। अगर बात करें इसकी डोज के बारे में तो 10-10 बूंदें सुबह दोपहर शाम आधे कप पानी में डालकर दिन में 3 बार ले सकते हैं। दोस्तों अगर बात करें अगली मेडिसिन के बारे में तो दोस्तों जो अगली मेडिसिन है वह कार्डुअस क्यू। दोस्तों जो कार्डुअस मेरिडस मेडिसिन होती है ये भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी और इफेक्टिव दवा है एनलार्जमेंट ऑफ लिवर को ठीक करने की। अगर बात करें इसकी डोज के बारे में तो 10-10 बूंदें सुबह दोपहर शाम आधे कप पानी में डालकर दिन में 3 बार आप इस मेडिसिन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों अगर बात करें अगली और लास्ट मेडिसिन के बारे में तो दोस्तों जो अगली मेडिसिन है एंडोग्राफिस क्यू। दोस्तों इसको कालमेघ नाम से भी जाना जाता है। इसकी भी 10-10 बूंदें सुबह दोपहर शाम आधे कप पानी में डालकर दिन में 3 बार ली जा सकती है। दोस्तों इन तीनों मेडिसिन को आप मिलाकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आधे कप पानी ले लें उसमें 10 बूंदें 1 से 10 बूंदें 1 से और 10 बूंदें 1 से, तो मेडिसिन की 10-10 बूंदें एक जगह मिला लें और फिर आप उसको सुबह दोपहर शाम दिन में 3 बार इस्तेमाल कर लें, तो इस प्रकार भी इन तीनों मेडिसिन का इस्तेमाल किया जा सकता है।
दोस्तों अगर बात करें इसकी डोज चिल्ड्रन में, तो तीनों मेडिसिन की 5-5 बूंदें आपस में मिलाकर दिन में 3 बार आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तीनों की 5-5 बूंद लेंगे तो 15 बूंदें एक बार में आपको लेनी है। 15 बूंद सुबह, 15 बूंद सुबह, 15 बूंद दोपहर और 15 बूंद शाम। दिन में 3 बार आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल बच्चों में कर सकते हैं। और वहीं इसकी डोज एडल्ट में 30-30 बूंदें सुबह दोपहर शाम दिन में 3 बार ले सकते हैं। 30 बूंदें सुबह, 30 बूंदें दोपहर और 30 बूंदें शाम। दिन में 3 बार आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल एडल्ट में कर सकते हो। 15-15 बूंदें सुबह दोपहर शाम आधे कप पानी में डालकर दिन में 3 बार आप इसका इस्तेमाल बच्चों में कर सकते हैं। तो दोस्तों ये जो मेडिसिन है काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है इलाजमेंट ऑफ लीवर को ठीक करने की। आप में से अगर किसी को इलाजमेंट ऑफ लीवर की समस्या हो गई है, आपके परिवार में किसी को इलाजमेंट ऑफ लीवर की समस्या हो गई है, तो उसको ठीक करने के लिए आप इन तीनों मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तीनों मेडिसिन का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।